हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो रात को 11 बज रहे थे जब हमने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, और आज हॉस्पिटल में मैं, रानी, धनवी और मम्मी, हम सब साथ में रहने वाले थे। क्योंकि धनवी और मम्मी का आपको एक जो बॉन्ड है वो तो पता ही, आपने देखे ही हैं वीडियोज़ में। सो यहाँ पे हमने सोचा कि एक रात पहले धनवी को यहाँ पे रखें ताकि मम्मी इसके साथ खेल ले, कूद ले, कि नेक्स्ट डे से हम जब धनवी को समझाएं तो धनवी परेशान ना हो और मम्मी भी परेशान ना हो। तो यहाँ पे ये सारी जो ऑपरेशन में सारी जो मेडिसिन लगनी थी, ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे बाय की करके रख के गए थे। तो मैं यहाँ पे वही देख रही थी कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेशन में लगी, और मैं मम्मी को सब कुछ समझा रही थी कि टेंशन मत लो, ऐसे मत करो। मतलब पूरी रात हम लोगों ने सिर्फ ये कोशिश की थी कि मम्मी नॉर्मल रहे, उनका बीपी ना हो। सुबह 5 बज रहे हैं और ये डॉक्टर आ गए थे। अभी हम लोग सब सोए ही थे कि डॉक्टर सारे लोग आ गए थे। मम्मी के सारे जो टेस्ट है, जो इंजेक्शन्स लगने थे, वो सारे स्टार्ट हो चुके थे लगने। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ही मम्मी का जो ऑपरेशन है वो होना था। अभी मैं भी जस्ट आँख खुली तो आँखें आप देख सकते हो सूज गई थी, क्योंकि यार माँ है, हम उनको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन टेंशन तो थी, बहुत टेंशन थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो यहाँ मम्मी के जो भी इंजेक्शन्स है वो सब लगने स्टार्ट हो गए। अब मम्मी को लेके जाया जा रहा था हॉस्पिटल, अरे ऑपरेशन के लिए, एंड मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। हम सबके आँख से हमने एक भी आंसू मम्मी को नहीं देखने दिया कि हम भी परेशान हैं, क्योंकि अगर हम लोग अगर रो देते ना तो मम्मी और ज़्यादा रोने लग जाती। लेकिन हम सबके आँख में आंसू आ गया था। एक यार ये बहुत रिस्क होता है, आप खुद सोचो, हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो कितना पेन होता है, और यहाँ तो इतने बड़े ऑपरेशन की बात है, आपकी बॉडी से एक पार्ट को अलग करने की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में चलती है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, और इस टाइम ना हमें ज़रूरत थी किसी ऐसे की जो हमारे साथ एक ढाल बन के खड़ा रहे। और यहाँ भाई मेरा इसीलिए हंस रहा था क्योंकि वो मम्मी को समझा, मतलब मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, वो मम्मी को कंटिन्यू यही समझा रहा था कि मम्मी आप पागल हो, आप क्यों हंस रो रहे हो, ये वो। लेकिन वही है ना, माँ बाप, मतलब मम्मी को ये लग रहा था कि तुम सब लोग अपनी जगह, वो एक रानी को उनको चिंता थी, तो हमने, मम्मी आप इतना क्यों सोचते हो कि आपको कुछ हो जाएगा या वो, कुछ भी नहीं होगा। तो हमने बहुत समझाया, लेकिन वही होता है ना, हम सामने समझा देते हैं सबको, लेकिन खुद उस सिचुएशन में होते हैं ना तब पता होता है। जब किसी इंसान को पता है कि मेरे को ऑपरेट किया जाएगा, ऐसे होगा, तो वो बहुत अंदर से ना एकदम डर लगता है। तो वही चीज़ थी। तो यहाँ पे मम्मी को लेके जा रहे थे, तो मैंने ये थोड़ी बहुत क्लिप है वो जो आप रिकॉर्ड की, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। हमें अलाउ नहीं था जाना, वरना मैंने डॉक्टर से पूछा था कि अगर थोड़ा सा अंदर तक अगर मैं जा पाऊँ, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है जहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह फैलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे ना मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं उनको हमने ये बताया था कि 10 बजे तक अब ऑपरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे मम्मी को 8:30 बजे सुबह ही लेके चले गए। ये ऑपरेशन थिएटर में मम्मी जा रही हैं, इसके बाद अंदर चली गई थी मम्मी। तो हम लोग ने वहाँ पे ही बैठे रहे, और मेरी मम्मी का जो ऑपरेशन है वो 2.5 से 3 घंटे तक चला था। इतनी देर हम खुद, बहुत डर लग रहा था कि इतना लंबा ऑपरेशन चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये पूरा ब्लॉग ना वॉइस ओवर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने वैसे कुछ भी नहीं बोला है, थोड़ा बहुत जहाँ बोला होगा बोला होगा। सो यहाँ पे एक पेपर्स देते हैं डॉक्टर, जिसको साइन कराते हैं कि अगर कुछ भी, मतलब वो पेपर साइन करते वक्त ना एकदम हाथ कांपते हैं। तो पापा मेरे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो मैंने बोला कोई नहीं, वो था अब हम तीनों जने छोटे हैं, ठीक है, और मेरे पापा थे एक गार्जियन में, मेरे दादी बाबा नहीं थे, वो गांव में थे, तो ऐसा लग रहा था ना कि कोई साथ हो। तो उसके बाद जो एक सरप्राइज़ मुझे मिला मेरे ससुराल की तरफ से, वो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा था ना कि दिल को छूने वाली चीज़ है। और मैं चाहूँगी कि हर सास ससुर होना तो ऐसे हो कि जो बहू में कोई फ़र्क ना करे, और उनको पता हो कि हाँ यहाँ पे मेरी बहू को ज़रूरत है तो मुझे वहाँ खड़ा होना चाहिए। तो जब ऑपरेशन थिएटर में मम्मी को लेके जा रहे थे, तब मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था बताने के लिए, तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी उस टाइम।
नानी कहाँ है? नानी कहाँ है मम्मी? घूमी गई है। नहीं मैं बेटा घूमने नहीं गई, मैं बेटी को छोड़ घूमी तो हो जाएगी। मैं बेटी। सो गाइस, मम्मी ऑपरेशन थिएटर में चली गई हैं। अभी 8:30 हो रहा है, 10:30 तक ऑपरेशन होगा। तब तक मैं नीचे रूम में आ गई, बिकॉज़ वहाँ पे बैठने का थोड़ा सा भी स्पेस नहीं हो रहा था। अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा धन भी कोई देखने आ गई थी। डर लग रहा है रानी? हम लोग इसीलिए सब इतना, आप लोग सोच रहे होगा ना इसमें इतनी बड़ी बात क्यों है जो सब रो रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी का ना ऑलरेडी पहले 2 बार ऑपरेशन हुए हैं भाई के। ऑलरेडी उनका ना 2 ऑपरेशन हो चुका है, ये तीसरा ऑपरेशन है। और हमेशा आपने कभी भी सुना होगा कि कोई भी ऑपरेशन सिर्फ 2 बार ही होता है, चाहे वो सी सेक्शन हो, कोई भी 2 बार के ज़्यादा बार नहीं ऑपरेशन होता है। तो ये तीसरा ऑपरेशन है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और मम्मी भी परेशान है क्योंकि यार सबको होता है थोड़ा सा अजीब सा, तो सबको लगता ही है। भगवान करे सारी चीज़ें ठीक से हो जाए, और जैसे हम मम्मी को लेके आए थे हंसते खेलते, वैसे हंसते खेलते वापस घर लेके चले गए। अभी थोड़ा सा धनवी, अब बस धनवी का देखना है मुझे आज मैं देखूंगी कि अगर धनवी ठीक से रह रही है उनके साथ तो मैं यहाँ रुकूंगी, और वरना मैं आज ही शाम तक नोएडा चली जाऊंगी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। बच्चा है, ना समझ है, क्या पता उनके पेट वेट पे इधर उधर कूद जाए। वैसे रानी के पास वो आराम से रह जाती है। धनवी कान क्यों बनती है? मम्मा की बात नहीं सुन रही है आपको? बस आप सब भी खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए कि मम्मी जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से मम्मी मेरी ठीक हो जाए। तो मैं रोने लग गई थी, तो मम्मी उस टाइम पे सो रहे थे, तो मम्मी ने बोला कि, मतलब मुझे समझाया, बोला कि टेंशन नहीं लेते हैं निक्की ये वो। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और फिर मैं धनवी के पास आ गई। फिर धनवी उठ गई तो ये ज़िद करने लग गई, बहुत रोने लग गई, तो फिर मैं इसको लेके ऊपर के फ्लोर पर गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे हम। अब हमें थोड़ा सा कुछ काम था, अब दोबारा से हम नहीं जा रहे हैं जहाँ मम्मी का ऑपरेशन हुआ, उठते ही मम्मा नानी का है। मम्मी को 8:30 बजे लेके गए थे और अभी 10 बज गए हैं। अभी तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वहाँ से मेरे ससुराल से मेरे हस्बैंड, आज उन्होंने ऑफ ले लिया, वो कल आए थे तो उन्होंने सबको परेशान देखा, तो उनको लगा कि यार आज सबके साथ होना चाहिए, तो वो आ रहे थे। तो फिर मम्मी ने बोला कि मैं भी चलती हूँ। और अभी जिस पापा जी का फ़ोन आया हुआ था कि बात कर रहे हैं उनसे, बहुत मतलब किसी ऐसे दुख के समय ना फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है। और जो मेरे ससुराल की फैमिली, क्या बेटा इधर आओ, इस चीज़ को समझती है, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। क्या हो गया? कहाँ जाओगे? मामू नहीं लेके गया, मामू का ऑफिस का मीटिंग है ना, इसीलिए मामू गया। अभी आ जाएगा। हाँ अभी आ जाएगा, नहीं अभी आ जाएगा। तो पापा जी से अभी मेरे पापा की बात हो रही है और मम्मी तो आ ही रही है। मैंने मना भी किया था कि मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं मैं आऊँगी देखूँगी। देन हम ऊपर ही थे कि नीचे से हस्बैंड का कॉल आया कि कहाँ पे हो, और जब मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड आए हुए थे। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ,
क्योंकि हस्बैंड का मेरे ऑफिस था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं आऊँगा, मैं छुट्टी लूँगा, और मम्मी आ गई। देखो हर जगह पे ना एक बड़ा गार्जियन की ज़रूरत होती है जो हिम्मत दे, और मम्मी को देख के मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली और वो आ गई। और वो जब ऑपरेशन जब तक हुआ नहीं, शाम तक मतलब सारी चीज़ें करा के ही वो घर गए। सबसे पहले जब मम्मी ऑपरेशन थिएटर से निकली तो मम्मी ही गई, और उन्होंने मम्मी को पहचान भी लिया। तो इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मेरी अच्छी लगी कि सासू माँ को ये दिखा कि हाँ मेरी बहू परेशान है, उसको इस टाइम ज़रूरत है, तो वो तुरंत आ गई। और मैं अगर अपने ससुर जी की बात बताऊँ तो वो पापा जी मेरे इतने ज़्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 बार कम से कम फ़ोन किया था कि निक्की घबराना नहीं, तुम बड़ी हो, तुम ठीक से रहोगे तो बाकी भाई बहन नहीं घबराएंगे। तो ये चीज़ मुझे मेरे पापा ससुर जी की भी मेरे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने फ़ोन पे, उनको ये लगा कि हाँ उस टाइम वो घबरा रही होगी तो उसको साथ देने की ज़रूरत है। तो ऐसे जब दुख की घड़ी में जो इंसान आपके साथ होता है ना, वो ही इंसान आपका अपना कहलाता है, और जो मतलब वही दिल से आपको प्यार करता है कि जब दुख की घड़ी में उसको दिख रहा होता है कि हाँ अब यहाँ मम्मी का मेरा ऑपरेशन हो गया है, और सबसे पहले मम्मी गई और उनको वहाँ से लेके आए थे। मेरी मम्मी ने मम्मी को पहचान लिया था टाइम पे, होश में थी। फिर हम लोग नीचे चले गए थे, फिर ऊपर आए, फिर यहाँ पे मम्मी से बात कर रही थी, उनको समझा रही थी कि ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, क्योंकि मम्मी बड़ी हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है, तो वो सारी चीज़ें मम्मी को बता रही थी। इस टाइम पे मम्मी होश में थी और उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा बात कर ली थी मम्मी से, उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर इन्होंने मम्मी को बहुत समझाया। मेरे ना ये पिलर है, मैं सही बताऊँ, मेरे हस्बैंड, भगवान ऐसा पति ऐसे सास ससुर हर लड़की को दे जो एक ढाल बन के खड़े रहते हैं ऐसे बुरे समय में भी। तो बस ये दो मेरे पिलर हैं जो मेरा हर वक्त साथ देते हैं। उसके बाद जब वहाँ से सारी चीज़ें निपट गई ऑपरेशन वगैरह का, तो मम्मी को फिर इंजेक्शन दे दिया, तो मम्मी को रेस्ट करने के लिए बोला और हम सबको वहाँ से जाने के लिए बोला डॉक्टर ने। तो मैं मुझे घर छोड़ के और ये दोनों मम्मी और ये भी घर निकलने थे, लेकिन मम्मी को 27 को गाँव जाना है और कुछ भी शॉपिंग कुछ ख़रीदारी नहीं हुई है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अब आप घर जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, तो यहीं पर एक शॉप है, चलो वहाँ से ख़रीदारी कर लेते हैं जो भी आपको थोड़ा बहुत चाहिए होगा गाँव में लेन देन के लिए। सो यहाँ पे हम गए और शॉप से फिर हमने गांव के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, क्योंकि अब मैं वहाँ पे तो नहीं जा पाऊँगी, तो इसलिए यहीं से मैंने बोला मम्मी आप यहीं से कर लो। मैंने स्टार्टिंग का ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अभी जस्ट मैं बैठ के ये ब्लॉग एडिट कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया है, जो भी सब कुछ आज पूरा दिन हुआ। शाम हो गई है, मैं घर आ गई हूँ, मैं मामा के घर आई हूँ बिकॉज मामा ने खाना बनाया है, तो उन्होंने बोला कि मैं बना देता हूँ, क्योंकि कल रात से तो हम लोग को नींद पूरी हो नहीं पाई, आराम से थोड़ा फ्रेश नहीं हो पाया, तो मैं कल से मैं बनाऊँगी खाना, बट आज मामा ने बना दिया। तो मैं मामा घर ही आई हूँ अभी खाना खा के, और फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाना है। मैंने ब्लॉग बस ऐसे ही जो भी स्टार्ट किया था वो सारी चीज़ें थी। अब नहीं अब मेरा ना एंड करना है ब्लॉग करके आ रही हूँ, भागो फिर सुनना क्या है। तो सुनो मैं आप लोग को ये कह रही थी कि धनवी पीछे सो गई है, कि यार जो भी पूरा दिन हुआ है, मम्मी का ऑपरेशन हो गया, अच्छे से हुआ ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद मम्मी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, मेरी थोड़ा आवाज़ कम कर, वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद जैसे कि मेरी जो सासू माँ है, हम सभी लोग थे, मम्मी से थोड़ा बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और खाना पीना भी वहीं पे खाया वाया सब कुछ, कि थोड़ा सा बाहर से मांग खाया, तो मम्मी की थोड़ी सी तबीयत मेरी फिर से ज़्यादा बिगड़ गई, सफोकेशन हो गया उनको, और मतलब बहुत ज़्यादा। फिर इमरजेंसी में पापा ने डॉक्टर को कॉल करके बुलाया, फिर उसके बाद से डॉक्टर ने मतलब धनवी को वहाँ पे आने से मना किया है। गई मामी आ गए थे, मामी कुछ कहती तो मैं उनकी बात सुनने लग गई थी। मैं यही कह रही थी आप सभी से कि इमरजेंसी कुछ ऐसा ही थी, तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला है धनवी अभी छोटी है, तो उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं लेके आओ, तो इसीलिए रात को आज मैंने सोचा था कि मैं रुकूँगी, पर पापा भी मना कर रहे हैं कि नहीं रहने दो धनवी, क्योंकि धनवी और हम सब वहाँ रह रहे हैं ना, तो मम्मी हमसे बात करने लग जा रही हैं, और जो दिन में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी वो हमसे बात करने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि मम्मी भी मेरी आई हुई थी, तो हम सबसे वो थोड़ा बहुत बात कर रही थी, तो इसीलिए उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी ज़्यादा। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अब धनवी को वहाँ नहीं लेके जाएंगे, मम्मी थोड़ा धनवी से दूर रहेंगी तो ठीक रहेंगी।
और बस तो अभी थोड़ी देर में खाना वाना खा के फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। ऑपरेशन मम्मी का बहुत अच्छे से हो गया और जो यूट्रस था जिसके लिए ऑपरेशन कराया, जब वो डॉक्टर दिखाते हैं बाहर लाके कि हाँ ऐसे, और उन्होंने जैसे आवाज़ लगाया तो सबसे पहले मैं ही चली गई और वो मैंने सामने से देख लिया। तब से मेरा मतलब इतनी ज़्यादा मेरा मन ख़राब हो गया, ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया, बॉडी का कोई पार्ट ऐसे देखने में ना अजीब सा हो जाए। तब से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, काफ़ी लो फील कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ, मैं आपको ब्लॉग में मैंने वॉइस ओवर में ऑलरेडी आपको बताया है। और फिलहाल सारी चीज़ें ठीक है, अभी मैं हॉस्पिटल चल के और दिखाती हूँ मम्मी को कि मम्मी अभी कैसी हैं, और मिलवाती हूँ मैं आप लोगों से। तो आज के ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, थोड़ा बहुत ही जो भी कर पाई, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं हर चीज़ डिटेल में ब्लॉगिंग करूँ और ब्लॉगिंग में आप लोगों को बताऊँ। बस वही थोड़ा बहुत रानी ने मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर दिया था, तो वही सारी क्लिप हैं जो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। देन रात के बज रहे थे 9:30 या 10, तो फिर हम पापा का और नानी का खाना लेके हॉस्पिटल के लिए निकल गए, मैं और भाई और मेरे मामा, हम सभी लोग गए हॉस्पिटल। हम रात का वेट कर रहे थे कि उस टाइम पे मतलब ज़्यादा लोग होते नहीं है तो हम अंदर जा पाए, वरना अंदर नहीं जाने दे रहे थे मम्मी के पास, तो फिर बड़ी दिक्कत हो रही थी। हॉस्पिटल और पापा का और नानी का खाना लेके आए हुए, देखते हैं क्या पता उन्होंने खा लिया। सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया ना कि बेसमेंट में है ना, तो वहाँ पे ना बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं दे रहा है फ़ोन में, तो फ़ोन पे बात भी नहीं हो पा रही है, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। अगर हम घर से हैं तो कि मतलब मम्मी की तबीयत कैसी है, खाना खाया नहीं खाया, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। और मेरे घर से थोड़ा हॉस्पिटल दूर है तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जा रहा है। नाना जी को तो पता ही है, बट कोई नहीं, जा रहे हैं, देखते हैं, अगर नहीं खाए होंगे तो खिला देंगे। और मम्मी की तबीयत कैसी है मैं उनसे आप लोगों को मिलवाती हूँ। चलिए चलते हैं। और रात के टाइम पे हॉस्पिटल बड़ा अजीब सा लगता है, एकदम सुनसान सा, डरावना सा लगता है, कोई है ही नहीं। नन्वी को मैं घर पे सुला के आई हूँ, रानी उसको रख ले रही है, उसने बोला दीदी तू जा मैं रख लूँगी, तू मिल के आ जा। देन यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो मम्मी के पैर में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए। इस टाइम बहुत पेन में थी मम्मी, पेन होता है जैसे जैसे हो जाता है ना, वैसे वैसे जब ख़त्म होता है असर, और जो सुन उन करते हैं एनेस्थीसिया बोलते हैं उसका, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत दर्द होता है। तो मम्मी को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन इतने पेन में भी वो यही बोल रही थी धनवी कहाँ है, ठीक है, खाना तुम लोगों ने खाया नहीं खाया, तो माँ तो माँ ही होती है। तो वही चीज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा उनको दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे मम्मी ने फिर भाई को बुलाया, उससे उसको ऐसे हाथ पकड़ के लेटी हुई थी मम्मी भी। और यहाँ ये मेरी नानी है, मैं मतलब यही बोलूँगी जब आपका दुख का समय आता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार आपकी ढाल बन के खड़ा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता है। आप इसीलिए परिवार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली माँ बाप तो बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। मेरी नानी मम्मी का मतलब हर चीज़ के लिए वो आ गई थी, और यहाँ पर मैं मम्मी को ऐसे ही थोड़ा उनका मूड लाइट करने की कोशिश करती हूँ, उनका जो पेन है उससे उनका मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, हंसा रही थी कि थोड़ा सा मन उनका वो हो जाए। और यहाँ पे ऐसे लेटी हुई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसे मम्मी के बिना ना अच्छा नहीं लग रहा है घर पे, क्योंकि मम्मी ही रहती हैं तो मम्मी कुछ कुछ डांटती रहती है, बोलती रहती हैं, तो वो एक थोड़ा अलग है वो चीज़, तो इसीलिए बहुत मिस कर रही थी मम्मी को। तो मैं ऐसे जाके 5 मिनट लेट गई थी मम्मी के पास, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मतलब अजीब सा ही मन है। अब जब तक मम्मी घर नहीं आएगी ना तब तक चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं होंगी।